नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समस्थानिक और आप देख पा रहे हैं समभारिक और इसके साथ साथ जानेंगे सम न्यूट्रॉनिक और यही हम लोग जानेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। दरअसल मित्रों, हम लोग कक्षा 11 विज्ञान का रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय परमाणु संरचना के बारे में सीख पा रहे थे और यहाँ पर देखिए आइसोटोप्स यानी आइसोटोप है क्या समस्थानिक किसे कहते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व देखिए, एक ही तत्व यानी तीनों हाइड्रोजन हैं, तीनों के परमाणु क्रमांक आप देख पा रहे हैं समान है यानी एक एक एक। परमाणु भार मित्रों आप देख पा रहे हैं अलग अलग है, एक दो तीन, राइट। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आप देख पा रहे हैं परमाणु क्रमांक तीनों के समान है, परमाणु भार तीनों के अलग अलग हैं, तो ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, राइट। दरअसल मित्रों, अभी तक केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नाम दिया गया है, केवल हाइड्रोजन समस्थानिक को तो बहुत है, जैसे ऑक्सीजन भी समस्थानिक है, इसका नाम नहीं दिया गया है। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है इनका क्या क्या नाम दिया गया है, पहला जो समस्थानिक है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम नाम दिया गया है। समस्थानिकों के मित्रों किसने अलग किया था, किस वैज्ञानिक ने तत्वों से अलग किया समस्थानिकों के, थॉमसन ने अलग किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं समभारिक कहलाते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं समभारिक कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आर्गन है, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम तीनों के परमाणु भार कितने हैं, 40-40 हैं। यहाँ पर देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन है, इसका भी 14, तो ये एक दूसरे के समभारिक हैं। इसी प्रकार मित्रों, ये जो आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम, देखिए परमाणु भार बराबर हैं, तो एक दूसरे क्या है, समभारिक हैं। आगे देखिए मित्रों, आता है सम न्यूट्रॉनिक, यानी दो तत्व ऐसे जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, जैसे 1s3 2he4। भाई तीन में से एक घटाओगे 2 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाओगे न्यूट्रॉन, यानी 3 में से 1 घटाएं तो 2 न्यूट्रॉन आया, 4 में से 2 घटाएं 2 न्यूट्रॉन आया, राइट। इसी प्रकार देखिए, 6c13 7n14, 13 में 6 घटाओगे 7, 7 में 7 घटाओ 14 में 7 घटाओगे 7, तो कार्बन नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन समान है और 1s3 2he4 में न्यूट्रॉन समान है। अगला मित्रों देखिए क्या आता है, अगला आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। आखिर में ये सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक में मित्रों हम लोग यह देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, राइट। अगर मित्रों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन परमाणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, Na+, F- O-। भाई सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 ही बचा। फ्लोरीन का 9 होता है, एक गेन कर लिया तो 9 के बजाय 10 हो गया, देखिए 10 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 8 2 10 हो गया, तो 10 10 10। तो ये तीनों मित्रों क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, राइट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला जो नेक्स्ट आपका हेडलाइंस है, आइसोडाइफियर्स मतलब ये होता है मित्रों जिनमें N-P का मान समान होता है उसे आइसोडाइफियर्स कहलाता है। N-P का मतलब यह होता है मित्रों, इनमें अगर N में से P घटाओगे तो ये दोनों समान मिलेंगे दोनों में, ठीक। तो चलिए मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।